अभी की बड़ी खबर, जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने रिलायंस कम्युनिकेशन के अध्यक्ष अनिल अंबानी को जानबूझकर उसके आदेश का उल्लंघन करने और टेलीकॉम उपकरण बनाने वाली कंपनी एरिक्सन को 550 करोड़ रुपए का बकाया भुगतान नहीं करने पर बुधवार को अदालत की अवमानना का दोषी करार दिया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती में कहा है कि एरिक्सन को 4 हफ्ते में 453 करोड़ रुपये चुकाने होंगे। अगर ऐसा नहीं किया गया तो भुगतान न करने पर अनिल अंबानी को 3 महीने की सज़ा हो सकती है। जी हां, जेल की सज़ा हो सकती है अनिल अंबानी को। वहीं मामला एरिक्सन इंडिया को 550 करोड़ रुपए की बकाया राशि दिए जाने का है। अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप के अध्यक्ष अनिल अंबानी और अन्य के खिलाफ बकाया भुगतान नहीं करने पर टेलीकॉम उपकरण निर्माता एरिक्सन ने सुप्रीम कोर्ट में 3 अवमानना याचिकाएँ दायर की थी। वहीं आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को फैसला सुनाते हुए कहा है कि अंबानी और अन्य को अवमानना से बचने के लिए एरिक्सन को 4 हफ्ते में 453 करोड़ रुपए चुकाने होंगे। ऐसा न करने पर 3 महीने जेल की सज़ा हो सकती है। और सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही रिलायंस टेलीकॉम और रिलायंस इंफ्राटेल दोनों को 4 हफ्ते में सर्वोच्च न्यायालय की रजिस्ट्री में 1-1 करोड़ रुपए जमा करने को भी कहा है। ऐसा न करने पर 1 महीने की अतिरिक्त जेल की सज़ा होगी। इसमें निर्देश दिया गया है कि रिलायंस ग्रुप की ओर से कोर्ट की रजिस्ट्री में पहले जो जमा कराया गया था पैसा 118 करोड़ रुपए, ये पैसा एरिक्सन को दिया जाएगा। वहीं इसमें कहा गया है कि रिलायंस समूह के शीघ्र नेतृत्व की ओर से दिए गए आश्वासनों से यह लगता है कि आदेश के बावजूद उन्होंने जानबूझकर एरिक्सन को राशि का भुगतान नहीं किया। वहीं अब देखना यह होगा कि अनिल अंबानी जी क्या करते हैं। वहीं और भी ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।